नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जंगल चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज़ बिहार प्रदेश पटना से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज़ की टीम पहुंची है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में नरकटियागंज और यहां पे एक रवि रंजन क्लिनिक है और इसमें जो डॉक्टर साहब हैं इनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे परिचय भी करवाते हैं। नमस्कार सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ओके, थैंक यू जी। सर, पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना परिचय देंगे। डॉक्टर आर के देवनाथ। डॉक्टर आर के सर, आप कौन कौन से डिजीज के पेशेंट को देखते हैं? हम लोग जनरल प्रैक्टिस करते हैं। जी, जनरल प्रैक्टिस करते हैं। जनरल प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर अभी के समय में कौन कौन से डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं? खास करके हमारे पास जैसे ये सर्दी, बुखार, खांसी जी, उसके बाद ये प्रेग्नेंट वुमेन, ये सब जो जनरल टाइप के पेशेंट है, पेट में दर्द, अभी तो बरसात का सीजन है। हाँ, अभी ज़्यादातर कौन सा रोग चल रहा है? अभी तो बरसात का सीजन है, तो टाइफाइड, ये टाइफाइड फीवर, जॉन्डिस, पेट में दर्द, डायरिया, वोमिटिंग, इस तरह की चीज़ें। हाँ, इसमें अभी किन चीज़ों से बचना चाहिए पेशेंट को? खास करके साफ पानी पीना चाहिए, पानी से ही ये डिजीज़ बढ़ता है, ये पानी से ही फैलता है ये डिजीज़, जनरली पानी से ही होता है। और खान पान में सावधानी बरतना चाहिए, कच्चे चीज़ नहीं खाना चाहिए। और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि अभी इस सीज़न में जनरली ये है, हाथ पैर बढ़िया से धोएं, साबुन से धोएं, कच्चे सामान मत खाएं, है ना, कोई भी पकवान हो वो गरम गरम खाएं, बासी चीज़ नहीं खाएं, इससे बचना चाहिए। और पानी उबाल करके ही पिए तो ज़्यादा बेहतर है। आप देखते रहे कानूनी जंग न्यूज़, मैं आलोक रंजन, कैमरामैन सुधीर के साथ।